बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपकी ढेरों ख्वाहिशात पूरी करें और आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़े की रेसिपी ले गई हूँ, बहुत ही मज़ेदार होगी, बहुत ही सादा और मिनटों में बनने वाली। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। ये 250 ग्राम बेसन है, ये चीनी 200 ग्राम है, ये थोड़ी सी किशमिश है और ये घी है, ये 3 अंडे हैं। घी मैंने गर्म कर लिया, इधर देखें तेज़ आंच पे गर्म कर लिया है, तो हम इसमें बेसन डाल दें। बिस्मिल्लाह, थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालना है, दम नहीं डालना है। ये घी भी तकरीबन 250 ग्राम है। पहले फुल आंच कर देनी, फिर आस्ता आस्ता हल्की हल्की आंच कर देनी। ये ऐसे सारा इकट्ठा नहीं बेसन डालना, थोड़ा थोड़ा डालना है ताकि गुठलियाँ ना बने। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने सारा बेसन डाल लिया है, तो अब मैं आंच को हल्की कर दूँगी, स्लो आंच पे इसको भूनूँगी। इसके भून तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको भूनते हुए लगेंगे, तो आप आस्ता आस्ता इसमें ऐसे चम्मच चलाते रहें, तो जब इसकी कलर इस ब्राउन हो जाए और इसकी खुशबू आने लग जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ये भून गया है। ये देखिए माशाल्लाह से बेसन भून लिया अच्छी तरह से। अब मैं जो चीनी और अंडे है वो आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। एक अंडा मैंने डाल दिया, दूसरा अंडा डालने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करना। इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती, ये बहुत मज़े का, बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से बन जाता है। इसको अच्छी तरह फेंट लेना है, चीनी मिक्स हो जाएगी, तो बाद में आपको दिखाऊंगी मिक्स करके। ये देखिए माशाल्लाह से 3 से 4 मिनट लगे, अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मैं इसे बेसन में मिलाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि हमारी तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें, और कमेंट्स अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें और हमें बताया करें और हमारी हौसला अफजाई किया करें। थैंक यू। ये देखिए अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ बेसन में। बेसन अच्छी तरह भुन गया है, इसका कलर देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा आया है। ज़्यादा नहीं जला लेना, ना कच्चा ही रखना। अगर सही तरह भुनेगा नहीं तो कच्चा कच्चा होगा ना, उसका भी मज़ा नहीं आएगा। अगर आप ज़्यादा जला लेंगे, ज़्यादा कहेंगे रंग लें कलर लेके आते हैं, तो फिर जल जाएगा, फिर भी जायका नहीं आएगा। बिल्कुल नॉर्मल रखना है, आँच भी नॉर्मल रखनी है। ये देखिए अब मैंने कहा इसे पहले अच्छी तरह हिला लूँ, नीचे ना लग जाए, तो फिर इसको देखिए माशाल्लाह से इसमें घी जो है ना वो भी तकरीबन 1 पाव डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाना, चम्मच को हिलाते जाना, फिर मैं 2 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से चीनी मिक्स हो चुकी, अंडा भी मिक्स हो चुका। अब हमें इसको 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाना है ताकि वो अंडे का अंडा भी इसमें जो शामिल किया है वो भी खुश्क हो जाए और चीनी भी। बहुत मज़े का बनेगा। अब थोड़ी सी आंच तेज़ कर देनी है और चम्मच को साथ साथ हिलाते रहना है, चम्मच नहीं रोकना। ये बहुत मज़े का बनेगा और आप ज़रूर इसे ट्राई करके देखें, बहुत मज़ा आएगा। ये देखें माशाल्लाह से अंडे और बेसन का हलवा तैयार, बहुत मज़ेदार। ये देखिए, अगर आपने इसको थोड़ा नरम करना तो पानी डाल लें, लेकिन पानी वाला इतना मज़ेदार नहीं होता। ये बहुत मज़ेदार है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है, ये बहुत मज़ेदार है। आप ज़रूर इसे ट्राई करें,